राजधानी रांची में एक ओर जहां चौक चौराहों पर नए साल के मौके पर पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही थी, वहीं एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा देर रात सड़क पर निकलकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को नए साल की बधाई दी और मिठाई खिलाई। साथ ही आपको बताया कि एसएसपी ने कहा है कि नए साल को ध्यान में रखते हुए पिकनिक स्पॉट में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। रांची एसएसपी से बातचीत की हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान ने। राजधानी रांची में नववर्ष 2022 के मौके पर रांची पुलिस जहां एक तरफ मुस्तैद है, वहीं खुद देर रात रांची के सीनियर एसपी सड़कों पर निकले और पुलिस कर्मियों के साथ नववर्ष का जो जश्न है वो मनाते हुए नजर आए। लोगों को मिठाइयां खिलाई जो कि विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात थे, उस तरह से मिठाइयाँ खिलाते हुए नजर आए। लोग एक दूसरे को बधाई इसलिए भी दे रहे थे चूँकि ये कोविड के संक्रमण के दौर में भी लगातार मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं रांची में नववर्ष के मौके पर विभिन्न चौक चौराहों पर लगभग 50 लोकेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और इस इंतजाम के दौरान खुद देर रात रांची की सड़कों पर निकले। सर, नववर्ष के सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत की तरफ से आपको बधाई, क्या कुछ मैसेज रहेगा सर, किस तरह का ये आप वर्ष को देख रहे हैं? सर्वप्रथम न्यूज 11 के माध्यम से आप सभी लोगों को और समस्त जिलावासियों को, समस्त पुलिस पदाधिकारियों को, तमाम लोगों को, सारे बंधु बांधवों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं है। विल प्रे कि सभी लोग बहुत खुश रहे, प्रसन्न रहे और नववर्ष जो 2022 है सभी के जीवन में एक नई उम्मीद आकांक्षा लेके आए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर जो था बहुत सारे भीषण तांडव दौर था कोरोना का, और हम लोग जिस मोड़ पे खड़े हैं फिर से किसी न किसी रूप में उभर रहा है। तो इस दिन हम सभी लोग संकल्प लें कि अपने एहतियात तौर पे जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस के जो इश्यूज हैं उसको फॉलो करते हुए इस विषय को पनपने से रोकें और सभी लोग अपने साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने मोहल्ला, अपने पड़ोस के साथ सभी का ख्याल करते हुए एक दूसरे का कष्ट में सहभागी बनते हुए एक दूसरे की समृद्धि की कामना करें ताकि अपना जो समाज है, अपना जो राज्य है, जो देश है, एक तरक्की के नए मुकाम तक पहुंच सके। अच्छा, इंतजाम पूरे शहर में किया गया क्योंकि एक सप्ताह तक ये जो पुलिस की तरफ से की गई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो रांची पुलिस के रांची के से कोई चौक चौराहे कॉर्नर नोकार या एक्सीसी अप्रोच नहीं है जहां पे हमारे पदाधिकारी, हमारे कर्मी, हमारे सारे बंधु बांधव अपने घर परिवार छोड़ के सभी लोग आम लोगों की सुरक्षा के लिए कि लोग अच्छे से बहुत अच्छे माहौल में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें, नव वर्ष का शुभारम्भ करें और नव वर्ष को वेलकम करें बड़े मुस्तैदी के साथ। कम से कम 600 से ऊपर कांस्टेबल, 100 के ऊपर पदाधिकारी, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स सब लोग रोड पे हैं। सभी ने अपने जितने भी पर्सनल लाइफ के अफेयर्स थे सबको सैक्रिफाइस किया है। 2022 के मौके पर जहां पूरा शहर जश्न मना रहा, वहीं रांची पुलिस के कप्तान खुद रांची के सड़कों पर उतर करके लोगों को और बधाइयाँ दी, वहीं मुस्तैद पुलिसकर्मियों को इस मौके पर मिठाइयाँ खिला करके भी इस जो पूरी व्यवस्था है उसमें चकाचौबन रहने की बातें कही है। क्योंकि जिस तरह से एक हौसले को बढ़ाने के लिए रांची के कप्तान खुद सड़कों पर आए और सारे पुलिसकर्मियों को नववर्ष की बधाई दी। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।